अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है अपनी बेगम जान को? हाँ छोड़ा है। कब आएगी? अरे इतने दिन के बाद तो महके गई है, दो चार दिन तो लगेंगे ही ना। क्या बात है चाची, बड़ा खुशगवार माहौल है। मैं तो मजाक कर रही थी चाची। तुम फिर ले आई साफत की परकाला को? अम्मा मैंने आपको बताया ना, दो चार दिन लगेंगे नौशीन को आने में। मैंने सोचा कि ताया का घर पड़ोस में है तो इसे ले आऊं, काम कौन करेगा घर का। लानत भेज काम पर, इसकी मस्ती और शरारते कौन भुगतेगा। दो दिन के लिए आती है, दो साल के बखेड़े खड़े कर देती है। अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, बिला वजह घबराती हैं आप उससे। नहीं दावेदार बच्ची है वो। खाक दावेदार है, गज भर की जुबान है इसकी। अभी देखना घर का सुकून किस तरह बर्बाद करेगी। अब ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। चाची गर्म गर्म चाय। खैर तो है, आज बड़ी शराफत के मूड में हो। अब एक ही तो चाची है मेरी, मेरा भी दिल करता है कि उनकी खूब खिदमतें करूं। पिछली दफा की तरह इसमें नमक तो नहीं मिला दिया चाची? जब तो मैं छोटी थी ना, अब थोड़ी ना करूं किस तरह की हरकतें। 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ ना मैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए इस बात को। अच्छा ना, छोड़े आप ये बातें, अब नहीं होगी आपको कोई शिकायत। अच्छा फोन में बैलेंस है, एक फोन करना है। है तो अगर लंबी बात करेंगी तो पूरे 100 का कार्ड डलवाऊंगी मैं। हाँ हो गई तुम्हारी सौदेबाजी शुरू, डलवा दूंगी बैलेंस। अच्छा बताएं किसको मिलाना है? उज्मा का नंबर है। उज्मा बाजी ला, निहायत ही लड़ाका औरत है वो तो। हाँ पिछले जो मैं रात गई थी मैं उनके घर पे। तौबा तौबा, अपने शोहर को तो मुलाजिम बनाकर रखा हुआ है उन्होंने। हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी है। ये नहीं बात करें। हाँ हेलो उस्मा, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी आंटी सादिया। कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हो गई तुम्हारी शिकायतें शुरू? अरे शुक्र कर अल्लाह का, अल्लाह ने इतना बुजदिल शौहर दिया, अगर कोई मिल जाता ना अकड़ू मर्द तो दमाग ठिकाने लगा देता तुम्हारे। मैं तो कहती हूँ होश के नाखून ले और शौहर की इज्जत किया कर। अरे मुझसे तो होश में रहकर बात कर, वरना घर आके होश ठिकाने लगा दूंगी तुम्हारे। हद हो गई, बहुत ही बदजुबान होती जा रही है ये लड़की, शर्मो हया तो जैसे बेच के खा गई है। चाची कितनी बार कहा है आपको, लाइन तो कट कर दिया करें। अगर उसमें बाजी ने सुन लिया होता तो लड़ने के लिए आ जाती वो, पता तो है कितनी लड़ाका औरत है। लाइन कट करके फिर जो भी दिल में गुबार हो निकाल दिया करें, मगर वही आपकी पुरानी आदत। इसे तो ठीक करके रहूंगी मैं, इसे ठीक किए बिना तो कब्र में भी नहीं उतरूंगी। सही एक बात है चाची, आप मिसालें खूब देती हैं। हद होती है ना, बड़ों का लिहाज है ना छोटों का, जो मुंह में आता बके चली जाती है। अच्छा ये बातें छोड़, ये बताएं मुझे कि आज क्या बनाऊं। सब्जी रखी है वही पका लो। चाची इतने दिनों बाद तो मैं आई हूँ आपके घर पे, तो आज भी सब्जी? मैं तो गोश्त खाऊंगी। मुझे खा ले। ऐसा गोश्त बनाने में तो बहुत देर लगेगी। फिर बदतमीजी शुरू हो गई तुम्हारी। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा चल मार्केट चलते हैं, गोश्त भी ले लेंगे और 100 वाला कार्ड भी। हाँ वो भी ले लेंगे, चलो चले। मेरा पर्स ले आ। हाँ लाती हूँ। देख लीजिएगा सद भाई, ये सबसे आखिरी और मोटा वाला सांप है ना, ये आपको डस लेगा। अच्छा देखते हैं। अरे हाँ सांप से याद आया, हमारी नागन खाला नहीं है, मैंने अपने बेटे जमाल का रिश्ता तय कर दिया अपने ससुरालियों में।
लड़की अल्लाह माफ करे इतनी कोई बदसूरत है, वो आप जानती तो हैं जिनके दांत बाहर निकले हुए हैं। अरे वो सलमा की लड़की ना। हाँ हाँ चाची वही। हाय हाय, हाय फाखरा ने ये क्या किया अपने बेटे के साथ। अरे छोड़े अम्मा, हमें क्या लेना देना, जहाँ मर्जी शादी करें, बेटा उनका है। अरे मेरी भांजी को तो साफ मना कर दिया था उसने। यही तो चाची, सुफिया बाजू इतनी खूबसूरत है, पता नहीं क्यों खाला ने इनकार कर दिया। अरे शुरू से बैर है उसे मुझसे, पता नहीं क्या बिगाड़ा मैंने उसका, अब सामने आई ना तो पूछूंगी जरूर। अरे अम्मा आप तो जानते हैं वो कितनी जाहिल और बदजबान औरत है, ऐसे लोगों के मुंह ना ही लगा करें तो बेहतर होगा। भाई वो मैंने तुम्हारी खाला को बुरा वाला कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं असद भाई, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, मेरी तो वैसे उनसे बनती नहीं, अभी तो लड़ाई हुई है। हैं? वो क्यों? बस क्या बताऊं चाची, पिछले दिनों मैं रहने के लिए गई हुई थी इनके घर, वो अपने पैसे रखकर भूल गई और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अब आप ही बताएं कि मैं चोर हूं? नहीं बेटी, तुम जैसी भी हो चोर नहीं हो। वैसे हीरा, पहली बार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, फाखरा के साथ होना ही ऐसा चाहिए था, इज्जत के काबिल नहीं है। अब असद बेटा, आज शाम का खाना बाहर से ले आओ जाके। ठीक है अम्मा, लेकर आ जाता हूँ। और कुछ? असद भाई मैं चलूँ? अच्छा, तुम भी चलो। मैं लेकर आता हूँ खाना। चाची आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी किसी की चाची नहीं हो सकती। हाँ, I love you। चलो जाओ, मस्कानी लगाओ, खाना लेके आओ। हाँ, मैं जाऊँ। तोपा है, फाखरा कहाँ फंसा रही है अपने बेटे को? चाची क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हाँ, कल रात से सर में दर्द हो रहा है। चल आए, मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं दबा देती हूँ ना चाची, कौन से थक जाऊंगी, लेट जाए। चाची एक बात बताओ। हाँ बताओ। अच्छा वो छोड़े, अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आ जाएगा आपको। यकीनन कोई खास बात है। नहीं नहीं चाची, कोई खास बात नहीं है। इधर आओ। अब अपनी इकलौती चाची से भी छुपाओगी, बताओ क्या बात है? चाची देखो, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, वरना मम्मी नाराज हो जाएंगी ना। यकीनन इस फाखरा की बात होगी ना, बताओ। जी चाची, खाला ने चाची पे बड़ा घिनौना इल्जाम लगाया सरफराज भाई के घर में। नाम मुझे सुन के ही ना शर्म आ गई। तौबा तौबा। हाय हाय, कमबख्त ने मेरे मरहूम शौहर को भी नहीं बख्शा, इसके पूरे दिन मेरे ही हाथों आएंगे। क्या कहा इसने? मुझे तो बताते हुए शर्म आती है चाची, मैं तो कहती हूँ जाने दे, रात गई बात गई। अरे दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं उसका, फोन मिला। अच्छा तो फिर अपने मोबाइल से मिला लेना, मेरा नाम देखकर मुझे पकड़ लेंगी वो। अरे मेरा मोबाइल खराब पड़ा है, कब से कह चुकी हूँ असद को कि ठीक करा दे, सुनता ही नहीं है। कमबख्त चोरू का गुलाम ना हो तो। सही होता भी तो आप कौन सा अपने मोबाइल से कर लेती। फजूल बातें मत करो, फोन मिलाओ उसे, बताओ असद के अप्पा के बारे में इतनी गलीज बातें की है, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी मैं उसका। लेकर आती हूँ मोबाइल। हद हो गया, वो तो मैंने सिम चेंज कर। हाँ दूसरी लगा दो ताकि पकड़ी ना जाओ। मेरे शोहर को भी नहीं बख्शा इसने, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अच्छा हुआ मेरे पास दूसरी सिम थी, वो लगा दी मैंने ना, खामोखा मैं पकड़ी जाती। देखो चाची, मेरा जिक्र मत करना उनके सामने। अरे नहीं करूंगी, फोन तो मिला, पर एक मिनट रुक, सोचने दे। चाची मैं तो कहती हूँ जाने दे, बड़ी खतरनाक औरत है, अब मेरे ख्याल से मामला रफा दफा करें और वही बेहतर होगा। अरे तो डरती हूँ उससे, उसका दिया खाती हूँ मैं क्या,
अरे मिला फोन, मैं अभी बताती हूँ उसे। हाँ हेलो, सादिया बोल रही हूँ मैं। क्यों बोल रही हो तुम? और मेरा तुम्हारे कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तुम? देखो फाकरा, अपनी ना ये गज भर की जुबान काबू में कर ले। अरे हद हो गई, तूने मेरे मरहूम शौहर को भी नहीं बख्शा, उनके बारे में इतनी गलीज बातें करती हो। मैं तेरा वो हशर करूंगी, याद करोगी। बकवास बंद करो, और मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। अरे तुम मेरे कान बज रहे हैं, मैं कहती हूँ होश में रहो, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगी तुम? गला दबा दोगी या जान ले लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फाकरा नाम है मेरा, तेरे सारे घर को, तेरी जबान को आग लगा दूंगी मैं। खबरदार जो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया तो। मैं तो थूकती भी नहीं। अरे डर गई, माफिया मांग रही है। वैसे भी मुझे किसी पे गिबत करने की आदत नहीं है, वरना ऐसी ऐसी बातें फाकरा के बारे में बताओ कि सुनने वाला कानों पे हाथ रख ले। चाची और क्या, अरे एक नंबर की आवारा थी तुम्हारी ये खाला। एक दफा तो घर से भाग गई थी किसी के चक्कर में, वो तो अब्बा पकड़ कर लाए थे इसके, वरना अखबारों में तो इनकी इज्जत ऐसी नीलाम होती ना। सारा खानदान ही ऐसा है, गंदी जुबान। फोन तो बंद कर दिया था ना तुमने? उन्होंने खुद ही लाइन काट दी थी। हाँ हाँ भाई छोटी, तंग तो नहीं किया अम्मा को? मैंने तो तंग नहीं किया, लेकिन हाँ खाला ने बहुत परेशान किया चाची को, फिर दोनों की खूब लड़ाई हुई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस बातों ही बातों में मैंने खाला का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, चाची ने कहा कि फौरन कॉल मिला कर दो, फिर दोनों की खूब लड़ाई हुई और बहुत मजा आया। हाँ तुम्हें तो मजा ही आया होगा ना, तुम बाज नहीं होगी अपनी हरकतों से। तुम्हें मालूम है वो कितनी जाहिल औरत है, एक की चार लगा के पूरे खानदान में सुनाएंगी। असद भाई से मेरा क्या कसूर, मैं तो बहुत मना किया था चाची को, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। असद बेटा इधर आना। जी अम्मा आ रहा हूं। अल्लाह कैसी भयानक शक्ल थी उसकी। हीरा एक गिलास पानी दो। चाची तबीयत तो ठीक है ना, पसीने पसीने हो रही हैं आप? हाँ फाकरा को देख लिया था ख्वाब में, अजीब सी शक्ल थी उसकी, चुड़ैल जैसी। अरे आप डर गई? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। अरे इस वक्त कौन आ गया सुबह सुबह? आप रुके मैं देखती हूँ कौन आ गया। खाला आप कहाँ है तेरी चाची? खाला खाला कहाँ भागती है, मुझ पे इल्जाम लगा रही थी। रुक अब आएगा मजा। ये कहाँ से आ टपकी? मेरे मुंह पर बात करना, बच्ची को क्या सुनाती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? कैसा इल्जाम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि तुमने मेरे शौहर पर इल्जाम लगाए थे। खाला छोड़े ना तू चुप कर। मैं आवारा हूँ, घर से भाग गई थी,
मेरे अब्बा मुझे लेकर आए थे। तुझे शर्म नहीं आती? इन सब बातों का सबूत दे वरना तेरे घर में हंगामा मचा दूंगी मैं। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल, मैंने अपने कानों से सुना है। तू लानत की मौरी सादिया, तूने मुझ पर उंगली कैसे उठाई? खाला छोड़े ना, जाने दे। तू दबाओ यहां से, ये हमारे आपस का मामला है। माफी मांग वरना मैं तेरी हालत बिगाड़ दूंगी। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल, तू फोन की लाइन काटना भूल गई थी, मैंने अपने कानों से सुना है। जी खाला जी, इसलिए तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी। तो मेरी प्यारी खाला जान अपने कानों से सुन ले। खाला छोड़े ना, जाने दे, आप घर जाए प्लीज। खाला खत्म करें इस बात को। बच्ची की वजह से जा रही हूँ, आइंदा अपना गंदा मुंह बंद रखना, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चले। जी जी खाला जान, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती। वो तो असद भाई जबरदस्ती लेकर आ गए थे मुझे, जो तो आप ही घर में रहना पसंद है। चल चल। कैसी फितना लड़की है ये तोपा। खाला इस दफा तो सोने की चेन लूंगी आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, भतीजी है तू मेरी और मेरी बेटी भी तो है। हाँ। तूने दिल खुश कर दिया। चले चल सोने की चेन।